आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ रियल हीरो के बारे में जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई। वीडियो देखने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। एक लड़का ट्रेन पे चढ़ रहा था तो अचानक उसका पैर फिसलकर सीढ़ियों में जाकर फंस गया। तुरंत कुछ पैसेंजर आकर देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद जल्दी से जाकर ड्राइवर को इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में। लोगों ने देखा कि कुछ माइनर फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन इसे रेस्क्यू करने में रेस्क्यू टीम को आने में कुछ समय लग जाता, इसलिए लोगों ने ट्रेन के डब्बे को ऊपर उठाना ही सही समझा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और लड़का भी बच गया। यह टीम वर्क का ही कमाल है जिन्होंने उस लड़के की जान बचाई और कुछ माइनर फ्रैक्चर हुआ। मई 2018 को पेरिस में 22 साल के लड़के ने एक बच्चे की जान बचाई जो 4 साल का था। उसने देखा कि फोर्थ फ्लोर के बालकनी पर एक लड़का लटक रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो लड़का वहाँ पे आया कैसे। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस लड़के ने उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद उस लड़के से फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मिले और जॉब ऑफर किया। इस बहादुरी के लिए उसे एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। एक माँ अपने बच्चे को कपड़े चेंज करने के लिए कुछ देर के लिए डेस्क पर रख दिया। कुछ देर बाद बच्चा मूव करने लगा, लेकिन उसका लड़का अचानक नोटिस किया और समय रहते ही अपने सिस्टर को बचा लिया, जिसे देखकर उसकी माँ शॉक में हो गई। एक कुत्ता ट्रेन ट्रैक पर गिर गया जो साउथ अमेरिका का सबसे बिजी ट्रेन ट्रैक में से एक था। वह कोशिश कर रहा था ट्रेन ट्रैक से बाहर निकलने का, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था जबकि सारे लोग केवल खड़े होकर देख रहे थे। लेकिन एक लड़की को उसे देखकर रहा नहीं गया और ट्रेन ट्रैक पर उतरकर उस कुत्ते की जान बचाई। एक 3 साल का बच्चा अचानक सांस लेना ही बंद कर दिया, जिसे देखकर उसके परिवार शॉक में हो गए। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया, लेकिन रेस्क्यू टीम को उस जगह पे आने में कुछ देर हो जाती। यहाँ पे उस बच्चे के लिए एक एक सेकेंड बहुत मुश्किल था। बगल में ही पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे जिन्होंने बच्चे को तुरंत CPR दिया। उनके पास कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उस बच्चे की जान बचाई। और उन्होंने बच्चे को सेकेंड चांस दिया लाइफ जीने का। एक साइक्लिस्ट ट्रेन ट्रैक को क्रॉस कर रहा था तो उसका साइकिल ट्रेन ट्रैक पर ही गिर गया, लेकिन उसने साइकिल तो निकाल लिया और ट्रेन को देखा तो भी वह पेपर कलेक्ट करने लगा। बगल में ही काम कर रहे रेलवे के कर्मचारी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। एक सेकेंड भी देरी हो जाती तो उसका जान बचाना बहुत मुश्किल था। एक ओल्ड मैन आग लहरते हुए घर में फंस गए। यह बात है अक्टूबर 2014 की। 73 साल के रॉबर्ट वाल के शरीर में ऑक्सीजन लगा हुआ था, जिसके कारण वह घर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। देखते ही देखते आग बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या।
कुछ देर बाद एक आदमी आता है जो ब्लू जीन्स और सर पे ब्लू कैप पहना हुआ था, जो आग लहरते हुए घर में गया और कुछ देर के लिए गायब हो गया। उसके बाद उस आदमी ने उस ओल्ड मैन की जान बचा ली पुलिस के 4 मिनट आने से पहले। इस एक्सीडेंट के बाद उस आदमी का पहचान किया गया जिसका नाम थॉमस टाटियाना था। एक बाइक चालक रेलवे क्रॉसिंग के बैरियर को बिना देखे ही क्रॉस करने लगा, जिसके चलते वह जाकर बैरियर में टकरा गया और ट्रेन ट्रैक पे गिर गया। लेकिन अचानक एक आदमी ने नोटिस किया और समय रहते ही उसे मौत के मुंह में से निकाला। एक लड़का स्टेशन पे वीडियो शूट कर रहा था, तभी एक बच्चा ट्रेन ट्रैक पर गिर गया, जिसके बाद लड़के ने तुरंत उतरकर उस बच्चे की जान बचाई। आपने देखा होगा कि ट्रेन कितना पास आ गया था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह वीडियो फेक है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। सीरिया में आतंकी हमले के एक दिन बाद देखिए क्या नजर आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाएं।